इंटरव्यू में जा रहे हैं, ड्रेस की टेंशन है, क्या पहनो, गाउन पहन लो, मिनी पहन लो, जींस पहन लो, नहीं ऑफिस है आप भी ये बिल्कुल नहीं पहनना चाहेंगे। मैं ऑलरेडी भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ कि इंटरव्यू में किस तरीके की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बट स्पेशली ये जो वीडियो है ना ये ड्रेस के ऊपर है कि इंटरव्यू में किस तरीके की ड्रेस जो है हमें पहन के जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं बात करती हूँ फीमेल्स की। फीमेल्स का जो इथिकल इंडियन वेयर है वो क्या माना जाता है, बहुत ऑब्वियस है, प्रॉपर सूट सलवार और साड़ी। बट इसमें भी अगर कैटेगराइजेशन कर दिया जाए तो बेस्ट टिपिकल इंडियन ड्रेस क्या मानी जाती है, यस साड़ी है ना, साड़ी। इट मीन्स दैट व्हेन यू आर गोइंग टू योर इंटरव्यू दिस इज बेस्ट ऑप्शन फॉर द फीमेल्स दैट दे शुड वेयर साड़ी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए, अगर नॉर्मली आप किसी रूरल एरिया की लेडी को देखते हैं और वो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं ना जिन्हें धोती बोलते हैं, उन्होंने वो बांधी हुई है। एट द सेम एज आप एक अर्बन एरिया की फीमेल को देखते हैं जिसने सिल्क की साड़ी विद फ्री पल्लू बांधी हुई है, अच्छे से ड्रेस्टअप होकर जूड़ा वूड़ा बांध के आपके सामने वो आई है, दोनों में से किसकी एज जो है वो आपको बड़ी दिखने वाली है, यानी कौन ज़्यादा उम्र का दिखेगा। बहुत ऑब्वियस है, रूरल एरिया की जो बंदी है वो आपको ज़्यादा मेच्योर इनफ दिखेगी, बूढ़ी लगेगी, बड़ी लगेगी। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक कंपैरिजन बताया कि ड्रेस जो है वो कैसे मैटर करती है। सेम थिंग आपने देखा होगा, नॉर्मल जो हाउसवाइफ्स होती हैं अगर वो जीन्स और टॉप वगैरह या इस तरीके की जो मॉडर्न वेयर्स हैं वो पहनती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एज जो होती है वो कम देखती है। कोई कहता है अरे वाकई में ये दो बच्चों की मम्मा है, बोलते नहीं बोलते हैं लोग, बिल्कुल बोलते हैं। तो सेम आप इसे इंटरव्यू से कनेक्ट कर दीजिए कि अगर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है इंटरव्यूअर को कि मैं बहुत मेच्योर हूँ, उम्र में बड़ा ठीक है नो मैटर्स, बट आपकी मेच्योरिटी जो है वो आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो बताती है। साड़ी में भी ना कैटेगरी होती है, बहुत सारे स्टफ की साड़ियाँ होती हैं, तो फॉर इंटरव्यू दिस इज बेस्ट ऑप्शन दैट यू शुड वेयर अ सिल्क साड़ी विद प्लेट्स। फ्री पल्लू तो बिल्कुल आपको उसमें नहीं पहन कर जाना कि आपका जो पल्लू है आपने फ्री छोड़ा हुआ है, प्रॉपरली प्लेट्स उस साड़ी में होना चाहिए, मतलब आपका जो लुक है वो डिसेंट और मेच्योर्ड दिखना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे प्रोफेशंस में चल जाता है, आप आईटी सेक्टर में, आप बैंक सेक्टर में, आप कुछ भी पहन के जाएं नो मैटर्स, आपको कस्टमर्स के साथ डील करनी है, कहीं पर आप फेस टू फेस करते हैं, कहीं पर ऑनलाइन करते हैं, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन में ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपका इंटरव्यूअर आपको ज़रूर जज करेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है किस तरीके के ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करता है, क्या वो इसका मेच्योरिटी लेवल जो है वो स्टूडेंट्स के सामने शो होने वाला है नहीं होने वाला। पता चलते हैं जो आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनमें और आपकी एज में ज़्यादा डिफरेंस दिखता ही नहीं है, प्लस आपके बात करने का तरीका ऐसा हो गया कि भाई आप बिल्कुल उसमें बचपना झलक रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर कहाँ से वो आपका सिलेक्शन करेगा, उसे यही लगेगा कि शायद आप जो है स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपकी सिंसियरिटी आप शो नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही एकदम ऐसा हो जाता है कि वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी एंड द पर्सनैलिटी शोज योर ड्रेस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आप कैसे दिखने वाले हैं वो तो आपकी ड्रेस जो भी आप पहन के जा रहे हो वो शो करेगी ना। तो ध्यान रहे कि एज अ फीमेल अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो देखिए, बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें साड़ी पहननी नहीं आती, हमने कभी साड़ी, अरे कभी नहीं पहनी, तो कभी की शुरुआत कभी से तो होती है ना, तो वो कभी आज क्यों नहीं, आप आज से शुरुआत कर दो। साड़ी पहनना कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप किसी और से बंधवा के चले जाइए, एक ही दिन की तो बात है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपको साड़ी ना पहननी पड़े। फंक्शंस होते हैं स्कूल में, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें कंपलसरी हो जाता है, ड्रेस कोड बना दिया जाता है, यू हैव टू वेयर साड़ी, फिर क्या करेंगे भैया, आपको जब टीचिंग में आना ही है तो इट इज़ बेटर कि फ्रॉम द फर्स्ट डे आप इंप्रेशन डाल दीजिए कि देखिए आई एम वेरी कंफर्टेबल इन साड़ी। ओके, पीआरटी और जो किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं वहाँ पर अलाउ होता है कि आप जीन्स या जो व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल आप उसमें पहन के जा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अगर अपने टीचर से प्यार कर बैठे तो कोई प्रॉब्लम का इशू नहीं है, पर वहीं 11th 12th जो पीजीटी के बच्चे हैं वो अपने टीचर के प्रति उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के कुछ और ही फीलिंग रखनी शुरू कर दें तो बताइए। अब बात आती है साड़ी में जो ब्लाउज होता है, ब्लाउज आपका किस तरीके का हो, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट शुड नॉट बी सो डीप नेक, अगर बेटर है कि उसे आप कॉलर नेक का सिलवाएं तो,
अब दिखने होता है ना कि ये तो टीचरों वाली ड्रेस है, अगर कोई कॉलर नेक कॉटन साड़ी विद प्लेट्स पहन ले तो ये तो बिल्कुल मास्टरनी लग रही है। तो आप दिखने से ही मास्टरनी दिखनी चाहिए भाई, इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गई फीमेल्स की बात। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। अब बात करते हैं मेल्स की, मेल्स को कैसे ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए वेन एवर दे आर गोइंग टू अटेंड देयर इंटरव्यू। तो मेल्स देखिए, बेस्ट थिंग इज फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट, नो जीन्स, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे, कहते हैं ना सरकारी में कुछ भी कर लो, बट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में भी बैन लगे हैं टीचर्स के ऊपर दैट यू आर नॉट सपोज टू अलाउ टू वेयर जीन्स टू योर स्कूल्स। तो अब ये बताइए, आपकी वहाँ भी बैन लगा दिया गया है, तो अगर आप किसी रेपुटेड प्राइवेट स्कूल के अंदर या किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ पर आप जीन्स पहन के जा रहे हैं तो भाई कैसा लुक लगेगा? इट इज़ बेटर टू वेयर फॉर्मल्स, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, शूज़। अब शूज़ ऐसे ना हो कि वार्डरोब से आपने निकाले और सीधा आप पहन के निकल लिए, वो मतलब आपकी बॉडी की शाइन, मैंने एक कहावत सुनी थी कि एक पुरुष की चमक उसके जूतों में छुपी होती है। अब पुरुष की चमक जूतों में छुपी, इसका मतलब सीधा सा यही, शाइनी क्लीन शूज़ हैं उस व्यक्ति के, ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी को डिपेक्ट करती है कि वो किस तरीके से उनका ध्यान रख रहा है, यानी अपनी लाइफ में भी वो व्यक्ति उतना ही सुलझा हुआ है। तो शूज़ जो है आपके एकदम पॉलिश होने चाहिए, ड्रेस्ड आपकी प्रॉपरली आयरन होनी चाहिए, बेटर है अगर आप टाई लगाने में कंफर्टेबल है देन गो विद टाई, अदरवाइज नो। ठंड का मौसम है तो आ देखिए आप ब्लेजर डाल लीजिए, दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट आप फॉर्मल लगने चाहिए। तो ये थी मेरी कुछ सुझाव जो ड्रेसिंग सेंस को लेके थी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। पसंद आए बता देना मुझे, अगर इसमें अगर कुछ रह गया हो मेरी तरफ से दोस्तों, तो आप लोगों को खुली छूट है कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी फॉर माई सब्सक्राइबर, फॉर माई व्यूअर्स, फ्रॉम योर नेम।